नगर निगम चुनाव का शोर शुरू हो चुका है और इसी बीच बीजेपी में बैठकों की कवायद भी हो रही है। हमारे साथ हैं जयपुर के समन्वयक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उनसे बात करते हैं। अर्जुन राम जी, किस तरीके से समन्वय बिठाएंगे ग्रेटर और हेरिटेज में? दोनों में एक जगह वार्ड कम है, एक जगह वार्ड ज्यादा है, एक जगह दावेदार कम है, दूसरी जगह दावेदार बहुत ज्यादा है। देखिए, हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छी वर्क कल्चर है। दोनों जगह प्रभारी बने हुए हैं, सह प्रभारी बने हुए हैं। मुझे समन्वय का काम दिया है, हमारे सांसद साहब भी बैठे हैं और आज यहाँ के विधायक हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे सबसे चर्चा करेंगे। पहला प्रोसेस तो सिलेक्शन का है कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सही हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके बाद नॉमिनेशन का काम है। वो क्योंकि आजकल कोविड कालखंड में कई तरह की चीज़ें हैं, थोड़ी दूरी भी बनाए के रखनी पड़ती है, ये तीन संतान वाला विषय भी कई बार आ जाता है, एफिडेविट की भाषा का विषय भी आता है, तो वो नॉमिनेशन प्रॉपर हो उसमें हम समन्वय बैठाएंगे। उसके बाद आपका काम जो जिस आपने कहा वो शुरू होगा। और ये हम मानते हैं कि दोनों जगह महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच से ये फीडबैक आ रहा है कि बीजेपी हेरिटेज नगर निगम को लेकर के बहुत ज्यादा आशान्वित भी नहीं है, वहां से टिकट के दावेदारों की भी संख्या कम है और कुछ परिसीमन को लेकर के भी बीजेपी अनकंफर्ट जोन में है। देखिए, वो कुछ वार्ड हैं ऐसे, लेकिन उसके लिए भी पार्टी ने एक रणनीति बनाई है। हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा, हर वार्ड में। और भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश में है, सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, तो जिन वार्डों में अगर कैंडिडेट कम है उनमें कैंडिडेट निश्चित रूप से तैयार हो रहे हैं। आज जैसे रात से मुझे सूचना मिल रही है सब जगह कैंडिडेट होंगे, इसलिए सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी जो रूप भारतीय जनता पार्टी का है उसके अनुरूप ही यहाँ सिलेक्शन होगा। आपकी रणनीतिक बैठकों से पहले ही रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ा है, राजेंद्र गहलोत जी की जगह वासुदेव देवनानी जी को लाना पड़ा है, इसके क्या कारण रहे? नहीं, रूटीन प्रक्रिया है, वो राजेंद्र गहलोत साहब जोधपुर के रहने वाले हैं इसलिए वो जोधपुर में काम करेंगे, उनका बेटर रहेगा। लेकिन अब से पहले जो जहां का रहने वाला है उसको वहां समन्वयक नहीं बनाया गया? नहीं, राजेंद्र गहलोत साहब की वहां डिमांड आई थी, वहां के रहने वाले वहीं चुनाव है, वहां चुनाव नहीं होते तो ठीक था, लेकिन वहां जब डिमांड आई लोगों ने कहा नहीं जोधपुर में चुनाव है जोधपुर भेजें, तो एक उनका स्वास्थ्य कारण भी था, या उनका वो स्टे अरेंजमेंट प्रॉपरली कैसे होता है कि वहाँ एकदम वो अभी भी कोविड से उभर करके भी आए हैं, इस वजह से जोधपुर उनके लिए सूटेबल है। पार्षदों के टिकट में विधायकों का कितना दखल रहेगा, विधायकों की पैरवी का कितना असर पड़ेगा प्रत्याशी पे? हमारे यहाँ किसी का भी दखल नहीं रहेगा जी, सबकी सलाह ली जाएगी और सबकी सलाह महत्वपूर्ण होगी, चाहे मंडल का भी कार्यकर्ता क्यों नहीं। क्या जिताऊपन होने के अलावा कोई और भी योग्यता चाहिए कि आपको कार्यकर्ता? देखिए, चुनाव जब लड़ रही है पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो जीतना एक पैरामीटर है, लेकिन जीताओ के साथ साथ टिकाऊ भी होना चाहिए, ये भी एक पैरामीटर है। कुछ जगह ये आशंका जताई जा रही है कि अगर विधायक की इच्छा के खिलाफ टिकट गया तो वो विधायक कितना सहयोग कर पाएगा जिताने में, कितना नहीं कर पाएगा? सब सहयोग करेंगे जी, एक बार जब निर्णय हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के किसी प्लेटफॉर्म से तो सब सहयोग करेंगे। बीजेपी जयपुर नगर निगम ग्रेटर में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है या हेरिटेज में? हम दोनों जगह कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री और जयपुर के समन्वयक अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि वे दोनों जगह ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ना विधायक की चलेगी ना किसी और की चलेगी टिकट वितरण में, यह जरूर है कि मशविरा सभी से लिया जाएगा और उसके बाद संगठन प्रत्याशी तय करेगा। कैमरा पर्सन मनीष रोहिला के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।